तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव। एक्सपर्ट डिटेक्टिव के अंदर आखिर डिटेक्टिव कौन है? डिटेक्टिव है निषद और माया, और वो आखिर किस चीज़ की खोज कर रहे हैं? वो जानना चाह रहे हैं अपने नेबर मिस्टर नाथ के बारे में। स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। तो स्टोरी स्टार्ट होती है निषद से। निषद एक 7 साल का बच्चा था। उसका नाम जो था वो भी 7 ही, उसका मीनिंग था जो उसका नाम था उसका भी मीनिंग क्या था, 7 ही था और वो 7 साल का ही था। और जो उसकी बहन थी माया, वो भी उसके साथ रहा करती थी और वो 10 ईयर ओल्ड थी, मतलब वो 10 साल की थी। ये जो दोनों भाई बहन थे, ये हमेशा से जानना चाहते थे कि आखिर जो उनके नेबर मिस्टर नाथ हैं वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है। और ऐसा इन दोनों बच्चों को क्यों लगता था कि मिस्टर नाथ क्रिमिनल हैं? इन दोनों बच्चों को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि मिस्टर नाथ हमेशा अपने घर के अंदर रहा करते थे। वो ज़्यादा बाहर किसी से मिलते भी नहीं थे और ना ही उनकी ज़्यादा किसी से दोस्ती थी। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो ये था कि जो मिस्टर नाथ थे वो अपना ट्रीटमेंट निषद और माया की मदर से करवा रहे थे। जो निषद और माया थे उनकी जो मदर थी वो डॉक्टर थी, तो मिस्टर नाथ उनके क्लिनिक पे आया करते थे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और हमेशा से जो निषद और माया की मदर थी वो हमेशा निषद और माया को बताया करती थी कि वो काफ़ी अच्छे आदमी हैं मिस्टर नाथ, और वो काफ़ी शांत रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो ये दोनों थे, इन दोनों ने कोशिश करी जानने की, निषद और माया ने, कि कैसे हम लोग पता लगा पाए मिस्टर नाथ के बारे में। एक दिन की बात है, ये लोग ऐसे ही खेल रहे थे, तब जो इनके मार्बल्स थे, मार्बल्स मतलब जो इनके कंचे थे, खेलते खेलते मिस्टर नाथ के घर के अंदर चले जाते हैं। वो जब एंटर करते हैं मिस्टर नाथ के घर के अंदर अपने मार्बल्स लेने के लिए, तब वो मिस्टर नाथ की तरफ देखते हैं तो उनके फेस पर एक बड़ा ही अजीब सा निशान होता है, जिसे देखकर उन दोनों को ये लगता है कि कहीं मिस्टर नाथ कोई क्रिमिनल तो नहीं है, ज़रूर इन्होंने कोई क्राइम करा होगा, इसी वजह से पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश करी होगी, तभी तो इनके फेस पर ऐसा निशान है। ये सारी चीज़ें वो दोनों सोचने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते वो लोग कोशिश करते हैं मिस्टर नाथ के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की। तभी उनको पता चलता है मिस्टर नाथ के डिलीवरी बॉय के बारे में, जिसका नाम रमेश था। रमेश मिस्टर नाथ को खाना दिया करता था रोज़ सुबह सुबह वो उनको एक कप चाय देता था और 2 टाइम उनके लिए खाना लाया करता था। और रमेश से दोस्ती करने की कोशिश करता है निषद, और निषद जब दोस्ती करता है रमेश से तो उसको काफ़ी चीज़ें पता चलना स्टार्ट होती हैं मिस्टर नाथ के बारे में। जब निषद दोस्ती करता है रमेश से तो वो रमेश से पूछता है कि तुम क्या क्या खाने पीने के लिए लेकर आते हो और क्या क्या करते हो तुम, और तुम्हें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है मिस्टर नाथ के किसी फ्रेंड के बारे में, तुम्हें पता है? तो रमेश बताना स्टार्ट करता है कि मिस्टर नाथ जो हैं वो अच्छी खासी मेरे को टिप तो देते ही हैं, और मैं 2 टाइम खाना लेकर आता हूँ, लेकिन संडे को हाँ मैं डबल खाना लेकर आता हूँ उनके घर पर, और उनके घर पर कोई उन्हें विजिट भी करने के लिए आता है। जो आदमी उन्हें विजिट करने के लिए आता है वो लंबा चौड़ा और चश्मा लगाकर आता है, वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी चौड़ा है और चश्मा भी लगाता है। ये सारी चीज़ें वो उनको बता देता है। तो निषद और माया जो होते हैं वो अपने दिमाग में खुद ब खुद कहानियाँ बनाने लग जाते हैं, डिस्कस करने लग जाते हैं, और वो इस पॉइंट पर पहुँचते हैं कि ज़रूर ये जो पर्सन आ रहा है मिस्टर नाथ से मिलने, ये इनका पार्टनर इन क्राइम होगा, मतलब जो इन्होंने क्राइम करा होगा उसके अंदर इनका पार्टनर होगा ज़रूर। ये सारी चीज़ें वो सोचने लग जाते हैं और अपने मन से सारी चीज़ें वो बनाने लग जाते हैं। तो एक दिन की बात होती है, जब निषद का बर्थडे होता है तब डिसाइड करता है निषद अपने बर्थडे पर अपनी मदर के साथ उनके क्लिनिक पे जाने के लिए। जब वो क्लिनिक पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर मिस्टर नाथ भी आए हुए हैं, तो वो मिस्टर नाथ को देख कर दोबारा से सोचने लग जाता है वही सारी चीज़ें जो वो और उसकी बहन डिस्कस कर रहे होते हैं। वो मिस्टर नाथ को चॉकलेट भी ऑफर करता है और वो फिर दोबारा अपने घर पर वापस आ जाता है। जब वो घर पर वापस आता है तो वो फिर दोबारा मिस्टर नाथ के बारे में सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे करके उनका स्कूल खुलने का टाइम हो जाता है। अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, और जब गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं और उनके स्कूल ओपन होने का टाइम होता है तो दोनों भाई बहन रेडी होने लग जाते हैं स्कूल जाने के लिए नेक्स्ट डे जब स्कूल ओपन हो। लेकिन जब वो रेडी होते हैं तब उनको पता चलता है कि बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से वो आज स्कूल
नहीं जा पाएंगे। स्कूल तो कैंसिल हो जाता है उनका और वो आराम से घर पर बैठ के जो निषद होता है वो कॉमिक्स पढ़ रहा होता है और माया अपनी खुद की थ्योरीज बना रही होती है कि ज़रूर मिस्टर नाथ क्रिमिनल हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन जो निषद होता है वो माया को रोकता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगता कि मिस्टर नाथ क्रिमिनल है, मेरे को लगता है कि वो नॉर्मल ही आदमी है। मतलब वो बेचारे अकेले रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिमिनल हैं। ये सारी चीज़ें ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। जो निषद होता है उसको हमेशा से यही जानने का शौक था कि आखिर मिस्टर नाथ इतने अकेले क्यों रहते हैं और उनका कोई दोस्त है या नहीं है, और अगर कोई दोस्त उनका नहीं है तो क्यों ना मैं उनका दोस्त बन जाऊं, क्यों बेचारे इतना अकेले रहते हैं। ये सारी चीज़ें, बस यही सारी चीज़ें वो सोचता था और वो ऐसा नहीं चाहता था निषद के डायरेक्टली माया उनको ब्लेम करे कि वो क्रिमिनल हैं और खुद ही वो लोग अपने दिमाग के अंदर ये थ्योरी बना लें और बिना किसी सबूत के उन्हें डायरेक्टली ब्लेम कर दें कि मिस्टर नाथ क्रिमिनल हैं जस्ट बिकॉज उनके फेस पर एक स्कार है। तो यहीं पर जो हमारी स्टोरी है वो फिनिश होती है। शॉर्ट सी स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और आई होप आपको अच्छी लगी हो। और इसी के साथ एक आपको शॉर्ट होमवर्क भी देना चाहता हूँ। जैसे निषद और माया को शक हुआ मिस्टर नाथ के ऊपर और उन्होंने एक डिटेक्टिव वाली चाल चली, ऐसे ही आपको भी बताना है कि क्या कभी आपने डिटेक्टिव बनने की कोशिश करी है, और अगर करी है तो ये एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें कि आपको इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ें अच्छी लगें और आखिर आपने किसके साथ एक्सपर्ट डिटेक्टिव वाली हरकतें करी हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस स्टोरी के अंदर हम लोग मिस्टर पर्सिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिस्टर पर्सिल एक पेट शॉप ओनर थे, उनके पास बहुत सारे पेट्स थे और वो पेट्स बहुत ज़्यादा शोर मचाते रहते थे, लेकिन जो उनकी कांस्टेंट नॉइज़ थी, मतलब जो उनकी कांस्टेंट आवाज़ थी, उससे मिस्टर पर्सिल के ऊपर कुछ खास फर्क पड़ता नहीं था, क्योंकि अब तो वो शायद उस आवाज़ के आदि हो गए थे। जैसे हम लोगों को घड़ी की आवाज़ टिक 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 सुनाई देती रहती है, लेकिन हम लोगों को उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, इसी तरीके से उन पर भी उन पेट्स की आवाज़ों का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। मिस्टर पर्सिल के पास बहुत सुंदर सुंदर पेट्स थे और बहुत सारे उनके पास कस्टमर जो आया करते थे वो उनकी पेट शॉप की तारीफ किया करते थे। उनके पास सारे टाइप के पेट्स थे, वो लोगों को पेट्स के साथ साथ उनका फूड भी देते थे पेट्स का, और अगर कोई पेट बीमार हो जाता था तो उसके इलाज के लिए वो चीज़ें भी बता दिया करते थे। मिस्टर पर्सिल, एक दिन की बात है, वो अपनी पेट शॉप के अंदर आते हैं और अपनी पेट शॉप के अंदर जैसा वो हमेशा की तरह आते ही पेट शॉप के अंदर सब चीज़ों को अच्छे से सेट करते थे अपनी शॉप के अंदर।